तो गुरु आज मैं बनाने वाला हूँ भगवान भोलेनाथ के ऊपर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बनाने वाला हूँ भगवान भोलेनाथ के ऊपर। अच्छा नहीं नहीं नहीं, भगवान भोलेनाथ को। अच्छा क्या? अच्छा भगवान भोलेनाथ को ड्रॉ करूंगा मैं। अरे फिर से अच्छा क्या बनाने वाला हूँ? भगवान भोलेनाथ बीच में ना बोल। मेरा आर्ट देखने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। दबा दो। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। क्या दबाने की बात कर रहा हूँ? सब्सक्राइब के बटन बीच में ना बोल। तो फिर आइए बनते बनते बनाते हैं और कुछ सिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है और उसके बाद बैकग्राउंड को मैं थोड़ा ग्रे कलर में रखूंगा और बैकग्राउंड को कलर करने के बाद मैंने स्केचिंग शुरू कर दी। मैंने यहाँ पर सिर्फ 8B पेंसिल का यूज किया है और मैं पहली बार 8B पेंसिल का यूज कर रहा था। वैसे इस पेंसिल से स्केचिंग एकदम मस्त होती है, एकदम मक्खन की तरह। इससे जो ब्लेंडिंग होती है, आहा मजा ही आ जाता है। मैंने इसको पूरा रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर हाइलाइटर के तौर पर व्हाइटनर का यूज कर रहा हूँ। वैसे तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है लेकिन अब इसके फाइनल टच की बारी है। एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट फॉर यू। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।